अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करना सारे पेनाप्रा ठीक हो सो। मारी तरफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जिते जिते अस की पेनाप्रा बुजुर्ग तकी रहे, मारी तरफ सारे की ईद दिन बू बू बारक आन है और उम्मीद करना कि तुम्हें ईद अच्छी गुजरी रही हो। टाइम हो गया जनाब 10 ना तुम दसने चलने हैं और इतने नमाज ईद अदा करने टाइम सा 8:30 बजे असर मदरसे की। इस टाइम अस अपने मदरसे ने छत पर खलते हुए तुम कि पिछले असन इलाका नजर आई रहा उसी। अज ना असन दिन किस तरह ना गुजर सी, ईद ना पहला दिन अस कुदर कुदर जासा। अज अस सोचा कि इंशाल्लाह अस अज बकरवालों को चलसा और बकरवालों ने तुम्हें दसा कि बकरवाल ईद किस तरह मनाने। वैसे तुम्हें पता कि बकरवाल हर वक्त सफर की रहने, इन्होंने जी जिंदगी होनी है सफर की गुजरनी है। सालों साल असने घर को इतने होने, इस बारी इन्होंने ईद इतने उसी इस टाइम आए हुए अस अगर चली तो उन्होंने को भी जासा। सबसे पहले अस जुसा थले हाफिज साहब आने से कि सबसे पहले असों को छना, उसके बाद तुम अपने दिन आगाज करना है। और इस मौके पर मैं तुम सारे की आखसा कि जिते अस ईद की खुशियां मनाई रहे, पूरी दुनिया ने मुसलमान ईद की खुशियां मनाई रहे, उत्थे फलस्तीन ने मुसलमान लहू लुहान है उन्होंने पर जो मजालम डाई रहे, तुम उन्होंने अपनी दुआ की याद रखे और सारे दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्होंने जल्द जल्द आज़ादी नसीब ता फरमान। 42,000 से अपर शोदा हो चुके फलस्तीन ने, अल्लाह पाक उन्होंने शाह तकबुल फरमाए तो उन्होंने आज़ादी नसीब ता फरमान। जिते ईद की खुशियां दूसरी तरफ जिसल उधर तको उन्होंने सोचो तो उसल यकीन करो कि इतना ज्यादा दुख होना आया। सारे तुम उन्होंने माड़े भी दुआ करे और बाकी है कि हूँ अस नीचे चलने और नालों की दसने दसा असा है कि हम बेसमेंट की अफसर बने से सबसे पहले तुम सारे बंदे माड़े को जुसो। इस जैसी आई गई हूँ अस इतने पीने ईद मुबारक ना खैर मुबारक खैर मुबारक। चलो जी हूँ पीने बाकी सारे बंदे बैठे हुए, मैं अमीन साहब बैठे हुए, चलो वेट करी रहे हैं। इस साइड बिरयानी किनी है? अस फिलहाल ग्राएं की आए हैं, इतना फिरने तुरने एक दो घर जासा, उसके बाद फिर अस बकरवाल आह साइड चलसा। सफर जाइ रहे हैं, चेक करो इस साइड रोटी। सुफियान भाई ईद कैसी जाइ रही? सही जाइ रही ना, तुम सुनो जी? सही जबरदस्त जाइ रही है। सारा मदरसा उस साइड आई जाना और बाकी तुसें इत्थों कन कन व्यू सही नजर आई रहा उसी। चेक करो थल्ले माशाल्लाह जिस तरह सो की वीडियो ने स्टार्ट की दस्या सा कि अज अस सो की बकरवाल चेक करासा। अस हूँ उस साइड जाइ रहे हैं, अदरीस भाई अस नाल इसे नकीब भाई सफियान भाई और अमीन भाई नाल चलने अगर चली तो दसा हूँ ईद किस तरह गुजरनी है, ईद दिले दिन क्या कुछ करने, गप शप उसी। अस ने रोड इधर भी पट्टी भी ने शेर ने पहले दसा को नहीं, मिकी याद नहीं रही। अस जाइ रहे खड्डा की जरा बू बड़ा नाला है जिथे मैं पहले भी काफ़ी बारी वीडियो बनाई है। बकरवाल उत आए वे, चलो हूँ जुलने जुली तो तकने के क्या कुछ वीडियो उत अस जाइ रहे उधर तुम दसने चलने। इस साइडों भारी स्लाइडिंग भी है वो थले की कैंप नज़र आई रही उस पहाड़ियों ने दरमियान ही इस ढेडी ने थले हुई गए बिल्कुल अस हूँ करीब लगे हुए पुछने लिया अगर चली तो तुम दसा। अदरीश भाई ड्राइवर बनी गई हो जबरदस्त जी, लाइसेंस बनवाई लिया लाइसेंस भी गया जी, फिर तो डबल जबरदस्त ही क्या आई गए जी। अस इतने शीशे पर करने गड़ी ला करी लो चुले हैं नीचे बाड़ियाँ क्यों ना क्या फैलाए हुए। इस साइड दो बाड़ियाँ हैं, दो बाड़ियाँ छोड़ी तो थले बाड़ी की त्री है चौथी बाड़ी की क्या फैलाए हुए ने। इस साइड एक दो बारी पहले ही मैं तुम्हें दसना रहा असन इतने पहले पहले छप्पर रोना सा काफ़ी टाइम पहले निकाली। इस साइड एक दीवार तुम कि छप्पर नज़र आई रही उसी अपर वो कमरा होना सा कमरा जहाँ ठीक है लेकिन छप्पर अस इतों पट्टी तक नहीं गए इसकी ईटा घर यूज़ करी छोड़िया सी और बाकी जिसल छप्पर होना सा उसल इतना रौनक होनी होनी सी क्योंकि उस बाड़ियाँ की बाग लाया अफसा इस वजह से फिर उसल चहल पहल हर वक्त लगी हुई रहनी सी काफ़ी टाइम ये तकरीबन कल ही 2004-05 नहीं माड़ी पैदाइश 2003 की हुई है उसल साल दो साल उसल दारी गली मैं वो बाग और छप्पर वगैरह वो माहौल तो नहीं तकिया लेकिन वैसे
उस टाइम ने इसलिए भी निशानात मौजूद है बाकी अस उन्हें कैंप नजर आई गए। अगली साहब थोड़ा जहा दसो ना इसने बारे के सुनी गाली सुरती गई उस लबा हुआ उसी ना असने बारे नहीं पता उस लकड़ी कड़ी बड़ी होना और क्या कुछ लिया होना उसने। असलामुअलैकुम सारे तक ने पेना बनाए कि मैं ईद मुबारक आना जनाब इतना इस कंडी चाहता सा बाग थे कस्से जनरेटर लगा होना सा वो थरे नहीं सर आज थप्पड़ सी टेंकी सी पानी इस टेंकी चना सा जनरेटर ने थ्रू नाली कटी सी ठीक ठीक ज्यादा सब्जी होनी सी या फल होना सा सब्जियां सब्जियां ठीक ठीक है उस ले क्या समझने हो कि की नहीं ऐसे एक फ्रूट नहीं लगे एक मारो खटे ना बूटा ही लगे बाकी सूखी के उससे दसने हैं ठीक है खटे ना बूटा इसलिए भी आया हां ठीक है आलू छल वो है प्याज ऐसे चलना होना सब उसला ठीक है आलू प्याज सरदा हर चीज सगड़ी काफी है तो आप सब्जियां बोनी है उस टाइम इधर आसपास कोई इस तरह बाग ना होया उसी ठीक ठीक सर इसकी जनाना गोभी शोभी जड़ी सब्जी होनी चाहिए ना बूटा जिस गल की खटिया बूटा गया इसल जिसल खटे लगने होने जरूरत मारे अस इतो कि जने होने अच्छा जी नाल तुसीं दसने चलने आं कि इत्थे बकरवाल हर सालों साल इत्थे इशने होने अज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले माड़ी वीडियो इसलिए भी यूट्यूब पर मौजूद ही है काफ़ी टाइम पहले इन्हें यह गल जिसलै मैं इत्थे आया सा उसलै इन्हें को अच्छी तरह इंटरव्यू किया सा इन्होंने जिंदगी पर वीडियो बनाई सी अज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले अज फिर चल सज फिर जुली तै इन्होंने अस स्टोरी रिकॉर्ड कर सी इन्होंने ईद कैसी है उसलै तकरीबन मैं चैनल स्टार्ट किया सा इस वजह से उसल मैं बनाई ऐसी वीडियो 7-8 मीटर नहीं उसी तकरीबन इतने नहीं या इस ज़्यादा मीटर नहीं है और उसल काफ़ी ज़्यादा पेन उपरा पसंद किया सा और बड़ा अप्रिशिएट किया सर ने और इस तरह अच फिर अस चलने अच्छा जी अस इन्होंने कैंप किया ही गया तो पहले दरी डरी भी पाई रहा उपर अच्छी तो असें कि फोम नहीं चादर इसने अंदर फोम पे उपर चादर ही इसी दी न्याण इसने फिर बहुत बैठे गप शप हुई है पाई गए पानी उन्ने मारे कैसे मिले जी कैसा माहौल आ कैंप आई जबरदस्त माहौल आ माशाल्लाह जी मजे ना बड़ा माहौल बनाया उन्हें चलो तुम दसने नाल ना इधर छो चादर आई जाओ ईद बोलो अपनी आई जाओ जी तू इधर पैर जी अस खाने की सेवियां पेश की है सको इसने जरूरत लेकिन वो फिर भी किए पानी पिलाया ने फिर सेवियां माशाल्लाह पेश की ने हूँ अस खाने इतने उस ट्रे पर भी अस इधर अस क्या है जनाब तुम सुनाओ ठीक ठाक हो तुम ईद नहीं बहुत बहुत मुबारक खैर मुबारक चलो हूँ अस सेवियां खाने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अच्छा जी अस इतना बैठे हुए हैं जिस तरह तुम्हें दसिया कि खिदमत वादन ने की है सेवियां ने पेश की माशाल्लाह खादियां बड़िया मजे ने इसकी हूँ अस भाई मौजूद है थोड़ी गप शप इन्हें लाने अस्सलाम वालेकुम क्या ठीक हो क्या नाम है भाई ने जी मोहम्मद इसहाक मोहम्मद इसहाक भाई अच्छा ये दसो कि अस ने ईद अस दारी गल एक जा रहे अस ने जो बड़े बजुर्ग है वह भी एक जा रहे आए तुसा ना एक सिलसिला चलना आया कि तुसा शुरू से चलने आए हो तो तुसा ने ईद कैसी गुजरनी है आसान गुजरनी है या डिफरेंट होनी है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सोहनी गुजरनी है पेना पराने जाने हैं तो बराबर ही है रस्म रवाज तुसा ला साड़ा ईद पढ़ने आला ईद पढ़ने उसके बाद फिर जो तुसा ने रिश्तेदार दूर दूर होने उन्होंने किस तरह जाने हो उन्होंने जाने हैं फिर अपनी को लिफ्ट हो या पैदल जाना पैना उन्हें ईद मुबारक पेश कर रहे हैं ठीक है मिलने गिलने वो भी अच्छे ठीक है रिश्तेदार सोने सारे इधर डडियाल के अंदर ही है या दूर दूर मुख्तलिफ है इसरा कोटली हुई है पिंडी हुई है अच्छा पलाग हुई है छतरो इस तरह दूर दूर जाने लिए कोटली ली साइड भी हां जाने ठीक जी ठीक है तुसने कोई जिंदगी नहीं ईद इस तरह ने गुजरी है कि तुसा बिल्कुल कुसा पहाड़ी इलाके हो या उधर तुसा ना जाई अच्छी सके हो या उधर ना सुने कोई अच्छी ईद गुजरी है इस तरह मौका है गुजरी है ना सा लिखे लिखे होने से जिले मकसद पिछले इलाके ईद आने से मंगरे कतके जिले टूरने से डेरे अपर पहाड़ी इलाके जी पहाड़ी इलाके उसला मुश्किल होनी मुश्किल होनी हूँ अल्लाह ने शुक्र है काफ़ी सहूलत है
फोन है हर चीज का सहूलत है हूँ एक दूसरे रबता भी जाना उस तो मुश्किल होनी हुई मुश्किल होनी जी हाँ ठीक है जिस तरह इन्हें दसा कि दिले दिन ये भी अगे पिछले जाने बाकी और मेहमान भी पिछले इलाके ने जिस इलाके होने जी अशन ना पिछले साल ईद गुजारी सी पिछले साल असं ईद गुजारी सी थले बहादुर शाह ने बेले ठीक है ईद दराड़ी लै ली जी हाँ दराड़ी लै बड़ी ईद कुछ गुजारसो बड़ी असं गुजारी सी मुड़ी बाग ने लागे गंगा चोटी ने लागे गंगा चोटी उधर तो सर्दी हुई जी हाँ उधर मौसम ठंडा होना उधर सर्दी होनी तुसने छोटे छोटे बच्चे होने बच्चे को नहीं आने के आसना जुलने इतना सफर करी था किस तरह जाने नहीं किस तरह करने हो जी जाने ने शौक रखने जिले बसाख ने टाइम अच्छा ना गर्मी होनी तो आने बस डेरे टोरो तो शौक ने टुरने घोड़िया पर भी जाने जिसे गड्डी ने सफर भी जाने इन्हें भी शौक रखने ने ये कम ठीक है चलो असा डेरे टूर सी सारा अच्छा हाँ तैयारी जाने बच्चे की शौक होना कि अस टुरसा फिरसा जी हाँ बच्चे की शौक होना ये तुसने नसलदार नसल बाय नसल आए साडा पेशा आए ठीक है बच्चे ने फितरत शुरू सी किया होने क्या से चलना आया चलना ही है डेरा टोरना जी इन्होंने पढ़ाई ना क्या सिस्टम है ने किस पढ़ाई ना जिथा सा एक ठिकाने रहने ने कुरान पाक पढ़ाने है ते मुड़ी जड़ा सफर ना दौरान होना फिर नी जाहिर पढ़ाई हो सके ठीक है हां तो स्कूल भी हूं काफी हद तोनी पढ़ने ते काफी जड़ा ने ठीक है जी तुसने जितने भी बरादरी है तुसने बरादरी ने जो कोई डॉक्टर या कोई स्कूल टीचर कोई इस तरह ने भी है या सारे अठवीं या मैट्रिक या बारहवीं तक ही जाने उसी बाद अगर कोई भरी जाए तो फिर कोई मुलाजमत नहीं करना तकरीबन सौ जो इस तरह 10-15 फीसद एन बंदे इस तरह ने जो मुलाजमत होगी जो पक्के गए बेई भी गए एक जगह पर उन्हें जो एन इस तरह सरकारी है फौजी है डॉक्टर है ठीक है जी इस तरह ने कुछ कुछ आए कुछ कुछ सबसे ज्यादा मजा करी जगह इशनाया छत्तीस साल बस चौथी पढ़िया स्कूल ठीक है क्या समझने के तुसने जिंदगी अच्छी है या आसानी क्योंकि आसानी तो सोच और तरह नहीं होती तो तुस असने बारे क्या सोचने हो ठीक है अपनी जगह तुस भी ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अस भी ठीक हाँ खुश है इस भी जा इस खुश हो खुश हाँ सुकून है कोई टेंशन नहीं परेशानी कोई नहीं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल जी जिस तरह इन्हें दस्या कि इन्होंने जिंदगी की सुकून आ किसी किस्म की टेंशन परेशानी नहीं है ठीक है जिथे है कैंप लो तुस अपना टाइम तक गुजारो उसके बाद अगले इलाके की जोटी असन इस तरह होना कि तुम्हें पता कि पूसरे मामला होने टेंशन परेशानियां अजकल ने खास करी मौजूदा दौर की हर बंदा टेंशन परेशानियों की गिरया हुआ जिस बंद गल करो आखसी जी कि असं मुश्किल की जिस तरह इन्हें दसिया पाई ना कि फिरने सुनने ने थोड़ी बहुत मुश्किल होनी ही सारी गल सफर करने पेने लेकिन दुनियावी जड़िया होनी बाकी जो मामला होने उन्हें असिए आजाद होने कार बनाना या और इस तरह ने जो मामला होने उन्हें असिए आजाद होने और बाकी निके निके बच्चे भी तैयार करने से निके ने ईद किस तरह निके को अगे पिछले जाने इलाके की या जाने जिथे डेरा होना ना गुमान जाना ना उ ग्रां सा महीने जाने उ अपना कोई कोल उ भी जाने ठीक है सुबह नहीं था असें आए या और भी बंदे आए पहले जी और भी आए हूँ भी मेहमान आए नाल टेंटे बैठे ठीक जी आए मेहमान असं गए चलो जी गप शप हुई है जिस तरह तुम्हें दसा सके तुम्हें दसा कि इन्होंने ईद कैसे गुजरनी है जिस तरह भाई ने दसा कि नॉर्मल असन इन्होंने ईद गुजरनी है जो इन्होंने रिश्तेदार होने या जिस इलाके की होने उस इलाके ने बंदे इन्हें को लेने अच्छी तै और ईद इतने करने और ये भी आस पास इन्होंने बच्चे भी जिस इलाके होने उस इलाके ने घरों ही जाने उत्तर जाइए तो ईद करने शुक्रिया जनाब अपना कीमती टाइम दिता अज ईद ने दिन सलामत रहो खुश रहो इधर आइयो ईद बोलो अपने ठीक हो ठीक हो
चलो जी हूं भाई रहने की चाह बननी पी चाह पीते जासो इस तरह ना जी सकने इस वजह से हूं अस वेट कर सो चाय आने मिठा हिठा बही जाने इये गल गोजरी थोड़ी जी बोलो ना गोजरी असें इसको ना तो रो कैसे तो सफर तो ठीक तो गोजरी के बोलना इधर आने सारिया गल्ला करने उधर जाने ठीक है इधर रहने हो तो सारिया गल्ला तो उधर जाने हो तो गोजरी जी ठीक है बकरी तो कितने तो रखे तो बकरी कोई नहीं कोई दस भी बारह दस भी बारह ज्यादा तो नौ तो रखो तो थियां ने थियां बब्बा ने चले गए घोड़े तो रखो तो एक घोड़ियां कोई दो चार एक है ठीक है जी ज्यादा तो नौ ज्यादा गोश्त खा तो या सब्जी खा तो मैं सुनो तो कि बकरवाल तो गोश्त तो वो खाते तो वो मजेदार बनाते तो बड़े सेहत हो तो जबरदस्त हो ये गल तो चलो जी हम वेट करने चाहन एक दो भेड़ा गुम गई एक बकरी गुम गई कड़ी जगह सी कनेर सी किस तरह घूमे सुबह तो पीछे आज सारा मिल्क जोड़िया है कोई पता है कदू आज ना वाक्य है आज दो दिन हो गए अच्छा सुबह अस सवेरे गए अस मुड़ के आए हैं तो सर बंदे दे नाल होने ना उन्होंने नाल बंदा भी ऐसा वो आखना है फलानी जाए तू मैं शाम दे टाइम ऊपर मोड़िया ए तो सुना बड़ा अफसोसनाक वाक्य होया जी कोई पता नहीं इस तरह मैं सुनया इन्हें पिछले दिन ठारे ली सैड बकरियां मरी गई इन्होंने इस तरह मैं सुनया ऐसा ओदे बूटी खाई जे कोई बक्शियां मरियां उन्हें लोगों ने साड़ियां पिछले साल भी इतिहास कोई बूटी खा गए बकरी को नहीं सी हुई मुझे नहीं बड़ा ही फिर अफसोस निकाली एक पेड़ है एक नाल उसकी पेड़ है दो पेड़ा जी जी एक बकरी है कंध दो एक कपे ने बहुत बड़ी बकरी है ये तो अच्छी गल नहीं है जी चलो जी बड़ी अफसोस की गल कि इन्होंने बकरियां इस तरह गायब हो गई बड़ी सोचने वाली गल कि इतना इन्होंने बकरियां किस तरह गायब हुई क्योंकि इसकी पहले तो इस तरह का वाक्य असने इलाके कम अज कम नहीं होया बहर होने रे अस सुनने रहे लेकिन अस अलहमदुल्ला इस वाले इलाके काफी से वैसे कदम नहीं होया इस तरह ना तो बड़ी सोचने वाली गल अजीब गल है चलो जी अल्लाह पाक इन्होंने मारे सुनिए ता फरमान और जिस कुरसा इन्होंने इस तरह किया अल्लाह पाक उसकी हिदायत देन جناب اتنی خدمت نہیں کوئی ضرورت ہے تو سا تکلیف کیتی ہے اے تو سن مقدر جیڑی چیز لکھی سی اگے جی چا کیا لینے اندر ماشاءاللہ اللہ اساں ائی گیا واپس جائی رہے ہوں نے دسویں چلنے ہیں جی جس لے تے باغ ہونا سا جی اس جگہ اس لے بھی پائپ لگیا وا ایتھوں پانی باہر نکلنا سا اور باقی اس نالی بنائی ہونی اس نے ٹھیک ہے نالی بنائی ہونی اس نے चक रहे इसलिए इसने सुरताल चेक करो इसलिए बहुत ज्यादा गंदी हुई क्योंकि यूज को नहीं होनी इस वजह से अस हूं जूसा डडयाली साइड भी अस काफी सारे संगी दोस्त अज गठे हो अस काले सुर लाए काले सुर लाने की खास वजह ये सी कि अस काफी सारे यूट्यूबर और संगी दोस्त अस गठे हो एक जगह फोटो वगैरह उस गप शप उसी अगर चली तो अस दसा कि घरे लोकेशन पर अस गठे हो गड्डी इतनी ज्यादा तपी हुई यकीन करो इसलिए इतनी ज्यादा तुपी है इस वजह से इतनी ज्यादा गड्डी तपी गई है इतना सोचा भी नहीं था अच्छा जी इसलिए अस पहुंचे हैं रट्टा बाईपास रोड पर जिस तरह तुझे दसा सा कि अज अस चल सा कुछ खास मुकाम पर अस काफी ज्यादा संगी दोस्तों मैचिंग ने सुर लाए काफी ज्यादा यूट्यूबर सुन उतै अस सारे उतै इकट्ठे हो सा इसलिए अस पहुंचे हैं रट्टा बाईपास पर वजह अकबर चौक सामने अस नजर आई रहा और अज अस चल सा ब्लाक जरा न्यू पार्क बनता है पुलै ने उपर अस उत सारे इकट्ठे हो सा काफ़ी ज्यादा संगी दोस्त काफ़ी ज्यादा संगी दोस्तों ने रबता किया वो आई रहे इस टाइम फराज भाई पहुंची गई इतने और तुम दसने चलने यकीन करो अज मौसम इतना मजे ना चेक करो माशाल्लाह चढ़ पे वे
बस खतरा कि बारिश ना लेई पे, बारिश लेई पे फिर सारे सीरीसा। चलो हूँ अस जुले उत्थे उत्थे जुली ते तुसें दसा कि कड़े कड़े यूट्यूबर पर सुन कड़े कड़े संगीत दोस्त सुन। ठीक हो जी कश्मीरी साहब, मतलब ईद गुजरी है जिस तरह असने सालों साल गुजरनी होनी सी है, कुछ टाइम सुते होने होने से अस पहुंची आए ब्लॉक दसा बार कने बार आई गया, काफ़ी ज़्यादा रश था जिस साइड तक नहीं, उस ट्रैफिक जाम हो गई है इस साइड, पार्किंग की जगह आई है इधर मोटरसाइकिल पार्क किया। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जान दो जान दो। चलो जी, अच्छा जी अस इतने पहुंची आए हैं, अस नाल मौजूद है धनियाल भाई। ईद मुबारक जनाब टाइम पर आई टाइम ने ਤਾਰੇ ਦਨਿਆਲ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਵੋਇਸ ਨੋਟ ਛੋੜੀ ਤਾ ਹੈ ਵੋਇਸ ਨੋਟ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਫੋਨ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮਿਕੀ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰ ਸਰਸਨੀ ਨੇ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਜਾਸੀ ਠੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਆਪ ਪੁੱਛੀ ਆਇਓ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਪੁੱਛੀ ਆਇਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਉ ਇਹ ਬਰਾਸੀ ਬਰਾਸੀ ਦਨਿਆਲ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੀਆਈਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਨਿਆਲ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆ ਫੋਟੋ ਸਿੱਕੇ ਜਨਾਬ कैसा मौसम है? माशाल्लाह बड़ा नाइस है। और बाकी है कि हूँ अस चलने नीचे सेतु चेक कराने क्या उस सूरत आई है पर क्या नहीं चेक करो, इस साइड काफ़ी ज़्यादा वार्म है और बाकी कुछ झूले में बैठे हुए और उस साइड तो पार्किंग से अंदाजा ले सकने हो कि कितने एक वार्म है। इस साइड रास्ता बनया हुआ अस जल्द अपर आए से उस रास्ता आए से हूँ अस वापसी पर इधर जाइए चलने और बाकी उम्मीद करने आज नई वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। फर्स्ट दिन से रूटीन चेक रही है कि अस इधर पहला दिन कैसा गुजरिया, उम्मीद करने वीडियो पसंद आई होगी। अपना बुसरा ख्याल रखे, असं भी दुआ की याद रखे, अगर जिंदगी पाक ठीक नहीं वीडियो मिलता अल्लाह सुनने वाला है।